हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है, मुसलमान कौम जो मुतबादिल का इंतजार करती है, कमजोर कौम की पहचान है। मैं आपको और एक बात बोलता हूँ साहब कि कांग्रेस पार्टी या अपने सेकुलरिज्म के नाम पर जो ढांचे पे जो वोट मांगते हैं, ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि मुसलमानों के जहन को फालिज कर दिए। आपके सेकुलरिज्म होने की अगर दलील पेश करेंगे 1947 से लेकर 2022 तक के, तो आपका सेकुलरिज्म के अंदर एक पॉइंट भी आपको सेकुलरिज्म को साबित करने का मौका नहीं मिल सकता। वोट मुसलमानों के लिए होना, मुसलमानों से जीतना और मुसलमानों के खिलाफ काम करना। सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस मुसलमानों के वोट बैंक का इस्तेमाल जो हिंदुस्तान की तारीख में करी है, शायद ही आने वाली 14 नस्लों तक कोई सियासी तंजीम सियासी जमात नहीं करेगी जो कांग्रेस करी। हम चाहे तो क़यादत को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमारे को यही अल्टरनेट और मुतबादिल के नाम पर को कमजोर कर दिया गया। हम चाहे तो 24 घंटे में अल्टरनेट तैयार कर सकते। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मंशूरा देखिए साहब कि उनके हुए में हाँ में हाँ मिलाना, उनके सुर में सुर मिलेंगे तो सेकुलर है। अगर अपनी क़यादत की बात करेंगे सेपरेटली तो बोलते हैं कि नहीं वोट काटवा। मैं आपको और एक बात बोलता हूं साहब कि कांग्रेस पार्टी या अपने सेकुलरिज्म के नाम पर जो ढांचे पर जो वोट मांगते हैं, ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि मुसलमानों के जहन को फालिज कर दिए कि तुम्हारे बाद कौन होगा, अल्टरनेट कौन है, तुम किसको ला सकते हैं, तुम किसको दे सकते हैं। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, दुनिया की तारीख गवाह है, मुसलमान कौम जो मुतबादिल का इंतज़ार करती है, कमज़ोर कौम की पहचान है। हम कमज़ोर हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, कमज़ोर हैं हम कौम? हम चाहे तो क़यादत को तब्दील कर सकते हैं, लेकिन हमारे को यही अल्टरनेट और मुतबादिल के नाम पर हमको कमज़ोर कर दिया गया है। हम चाहे तो क़यादत 1994 के हाशमी के जो इंतखाब में जीते, तारीख गवाह है साहब, इधर की लोगों ने वोट के साथ वोट दिए, एक तब्दीली का जज्बा था। अवाम में तब्दीली के जज्बे को ये जिम्मेदार जो सेकुलरिज्म का नाम ले रहे हैं, यही लोग मार रहे हैं कि इनके बाद कौन आएगा, इनके बाद कौन आएगा, तुम इसके बाद किसको देंगे, अल्टरनेट कौन है। कौम चाहे तो 24 घंटे में अल्टरनेट तैयार कर सकती है, कोई जज्बा नहीं है कौम के अंदर, और जज्बे को ख़त्म यही लोग कर रहे हैं। हमारी जो क़यादत है, और कोई आदमी जज्बा लेके आता है तो आने से भी डरता है यार, काम ही नहीं होता, मतलब क्या है करके, लोगों के जहन में यही बात चलती है। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मंशूरा देखिए साहब कि उनके हुए में हाँ मिलाना, उनके सुर में सुर मिलेंगे तो सेकुलर है। अगर अपनी क़यादत की बात करेंगे सेपरेटली तो बोलते हैं कि नहीं वोट काटवा है, यही बात है और दूसरी कुछ भी नहीं। इनके साथ चलो, इन्हों कुछ भी करें तो इनके हुए में हाँ भरना, तो बोलेंगे कि नहीं ग्रेट लीडरशिप है, ये बिल्कुल सेकुलर है बोलेंगे। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ साहब कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाली सिर्फ कांग्रेस है क्या, और कांग्रेस के पास सर्टिफिकेट है कि सेकुलर है? आपके सेकुलरिज्म होने की अगर दलील पेश करेंगे 1947 से लेकर 2022 तक के, तो आपका सेकुलरिज्म के अंदर एक पॉइंट भी आपको सेकुलरिज्म को साबित करने का मौका नहीं मिल सकता। और मुसलमानों के लिए होना, मुसलमानों से जीतना और मुसलमानों के खिलाफ काम करना। ये 2-3 सालों के अंदर 19 से लेकर ऐसे कई मसाइल है, इनकी अदम मौजूदगी रही उस टाइम पर, ये खासिर मौजूद रहने से खासिर रहे, आए नहीं, कई मसलों में नहीं आए। चाहे NRC का मसला हो, ट्रिपल तलाक का मसला हो, हिजाब का मसला हो, नूपुर शर्मा का मसला हो, शान रिसालत में गुस्ताखी भी, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की उस मसले में नहीं, भाई तो फिर मतलब क्या है? तो कांग्रेस की यही पॉलिसी रही कि जो अपने इनके मंशूर से हट के काम करता है वो फिरका परस्त है, वो वोट कटवाए, इन्हों जो बोलेंगे वो काम सुनेंगे, तो वो सेकुलर पार्टी है, वो सेकुलर आदमी है, यही मसला है। हमारा साबिका वजीर आला कर्नाटक के सिद्धरामैया साहब के साथ जो उनके खास जो हरीफ कराने वाले MLA उनके, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए उसके बिना पर, दोनों की अलायंस गवर्नमेंट टूट गई और बीजेपी की गवर्नमेंट स्टैंड हो गई, बोलने की क्या बात है? हिंदी एग्जाम्पल है, चलिए हमारे बताइए MIM के कहीं कोई कारपोरेटर कहीं गया है कांग्रेस में तो बताइए, बीजेपी में गया तो बताइए, JDS जा सकती है, अफसोस JDS के चक्कर में तो कर्नाटक स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट स्टैंड हुई, तो दिख रहा ना एक पॉलिटिकली आपको जो पिक्चर है पूरी क्लियर है, बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, आप एक जर्नलिस्ट हैं आपको पूरा पता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।